नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। आज हम राजस्थान फायरमैन भर्ती के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। DLB राजस्थान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की वजह से राजस्थान में जितने भी फायर के स्टूडेंट हैं उन सभी को एक धक्का सा लगा है कि यह नोटिफिकेशन में अचानक क्या आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे कि इस नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप स्किप करोगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको जानकारी भी छूट सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन DLB ने जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने यह जारी किया है। 14/9/2021 को यह नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में फायरमैन और AFO के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी को आग बुझाने और फायर उपकरणों को चलाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगे बात करते हैं फायरमैन और AFO के भर्ती में जो लिखित परीक्षा में 33% यानी 33% मार्क्स पास होंगे, जो जनरल OBC के अंदर आते हैं उनको 33% नंबर प्राप्त होंगे, तो फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करते हैं। 28% एग्जाम में से नंबर प्राप्त करता है तो उनको भी प्रैक्टिकल और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा कम होंगे तो उनको यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। बताया गया फर्स्ट में लिखित एग्जाम के बारे में जो होगा आपका 70 मार्क्स के बारे में। तो इस लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर 70 मार्क्स कर दिए गए हैं, लेकिन आप इस नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बने रहे इस वीडियो पर। बात करते हैं हम फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट, ये आपका होने वाला है 150 नंबर का। हम सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं जो 60 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट में 400 मीटर की रनिंग होगी जो 15 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको रनिंग होगी 1:20 में आपको 400 मीटर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 1:25 में कंप्लीट कर लेते हो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। बताया गया है कि 1:30 में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 1:40 में कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 1:40 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप आपकी होने वाली है 12 फिट, जिसमें यहाँ पर 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप 12 फिट लॉन्ग जंप करते हैं तो 15 मार्क्स, अगर 11 से 12 के बीच में करते हो तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर आप 10 से 11 फिट के बीच में करते हो तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और 8 से 10 फिट के बीच में करोगे तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इस नंबरों के आधार पर आपको फिजिकल या आपकी मेरिट बनेगी, उस आधार पर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग जो भी होगा प्रोसेस आपका, उस ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। तो अगर 3 नंबर पर बात करते हैं रोप क्लाइंब की। रोप क्लाइंब होता है रस्सी चढ़ना। अगर आपने फायर स्टेशन पर ट्रेनिंग ली होगी या जो भी स्टूडेंट 1 साल तक ट्रेनिंग किया होगा कॉलेज पर रहकर, फायर कॉलेज पर रहकर, तो उन सभी को पता होगा रोप क्लाइंब किस प्रकार करते हैं। जो आर्मी की तैयारी कर रहा होगा उनको भी पता होगा रोप क्लाइंब किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर रोप क्लाइंब हो गया 15 फिट, जिसके 15 मार्क्स मिलेंगे। 13 से 15 फिट के बीच में जो करता है 10 मार्क्स मिलेंगे, और 11 से 13 फिट के बीच में करता है 8 मार्क्स मिलेंगे, और 9 से 10-11 फिट के बीच में करता है उनको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो आगे बात करते हैं 4 नंबर पे बताया गया है एल्युमिनियम फायर लैडर के बारे में। बताया गया है इसमें एल्युमिनियम फायर लैडर क्लाइंब नॉन स्टॉप आफ्टर क्लाइंब एक्सटेंशन लैडर 35 फीट हाइट एंड 30 सेंटीमीटर वाइड, नो टाइम लिमिट। यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया गया इस लैडर पे यानी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप चढ़ना स्टार्ट करोगे तो नॉन स्टॉप बिना रुके अगर आप चढ़ोगे तो 30 फीट की 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 25 से 30 फीट नॉन स्टॉप चढ़ते हो तो अगर यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 20 से 25 फीट सीढ़ी पर चढ़ते हो
35 फीट की सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, अगर 15 से 20 फीट की सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम, इसके बाद होने वाला आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, 100 मीटर रनिंग होगी, उसके अंदर आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग आपको वजन और अपने कंधे पर उठाना होगा। इसमें टाइम लिमिट बताई गई है जो होगा आपका 1 मिनट में 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 100 मीटर 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 1 मिनट अगर हम बिना वजन के 100 मीटर चलते हैं तो ये 10 से 12 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 से 4 गुना ज़्यादा आपको टाइमिंग मिला है 100 मीटर 50 से 60 केजी अपने ऊपर ले जाना। या आपको, आप कैसे भी वहाँ पर कर सकते हो, या चल के फास्ट चल सकते हो या दौड़ सकते हो वजन ले। यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलेंगे 1 मिनट के अंदर। आगे बात करते हैं, अगर आप 1 मिनट 10 सेकंड के बीच में करते हो तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 1 मिनट 10 सेकंड से 1 मिनट 20 सेकंड के बीच में करते हो तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 1 मिनट 20 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 नंबर मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइमिंग लेते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। 45 मीटर फायर होज की, जो होज होता है उसके बारे में, उसकी यहाँ पर ड्रिल होने वाली है। 45 मीटर फायर होज ड्रिल विद मेल फीमेल कपलिंग, जो मेल फीमेल कपलिंग होती है यहाँ पर होज की, यहाँ पर ड्रिल होने वाली है। एट डिस्टेंस दूरी होगी 15 मीटर, यानी आपका होज होने वाला है 15 मीटर लंबाई होने वाला है और डिस्टेंस भी 15 मीटर ही होगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर 20 नंबर का होने वाला है होज ड्रिल और इसका वजन होगा होज का 12 से 13 केजी होने वाला है। अगर आप 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हो होज ड्रिल को तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 31 से 40 सेकंड के अंदर करते हो तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 41 से 50 सेकंड के अंदर करते हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 51 से 60 सेकंड के अंदर करते हो तो 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर पर, यूज ऑफ आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE। जो भी स्टूडेंट या प्राइवेट सेक्टर में रहा होगा तो उसके बारे में इसकी जानकारी होगी। अगर स्टेशन पर ट्रेनिंग किया हो तो उसको यह कंप्लीट के बारे में पता होगा। यहाँ पर बताया गया है यह 20 नंबर का होने वाला है, 3 नंबर 20 नंबर का होने वाला है। इसमें टाइम लिमिट है 60 सेकंड आपकी। SCBS सेट को आपको कंप्लीट तरीके से पहनना होगा, जो 60 सेकंड के अंदर आपको, अगर जो कंप्लीट कर देता है SCBS सेट को पहनने में, उसको 6 नंबर मिलेंगे। फिर आगे है फायर सूट होता है, उसको पहनना होता है, उसके ऊपर ये SCBS सेट पहना जाता है। तो सबसे पहले आपको SCBS सेट पहना के देखेंगे, अगर आप 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हो तो फिर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको फायर सूट पहनना होगा वो 30 सेकंड के अंदर, उसके भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ इसमें 4 ऑप्शन ये जो आपको कंप्लीट करना होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर है वियरिंग यूजिंग ऑफ फुल हाफ बॉडी हारनेस। यहाँ पर फुल हाफ बॉडी हारनेस होते हैं, उनको पहनने के लिए 45 सेकंड का समय दिया गया है, जिसके 6 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर है नॉलेज ऑफ वायरियस फायर नोजल ब्रांच फायर एक्सटिंग्यूशर, इनके बारे में, अगर इनको आप किस प्रकार यूज, वहाँ पर किस प्रकार आग को बुझाया जाती है, नोजल किस प्रकार को पकड़ना या किस प्रकार यूज ली जाती है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे हम अगले टास्क की बात कर लेते हैं, 4 नंबर में सर्च ऑफ रेस्क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है यूज ऑफ रेस्क्यू मेथड ड्यूरिंग एंट्री इन स्मोक चैम्बर रूम, यानी स्मोक चैम्बर रूम के अंदर कैसे बचाव कार्य किया जाता है। तो यह आपका टाइम लिमिट होने वाली है 60 से 90 सेकंड के अंदर, और इसके 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम, इसमें पूछा गया है यूज ऑफ SAR अप्लायंसेस एनी वन आउट ऑफ करकिंट कटर चिपिंग हैमर सर्कुलर सो टाइम लिमिट इसका 60 सेकंड होगा। यानी इसमें कटर चिपिंग हैमर और करकिंट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसका यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके 60 सेकंड आपको टाइमिंग मिलेगी, उसके बाद आपके यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने 60 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है तो।
आगे तीसरे नंबर पे बात करते हैं नोट्स एंड लेसिंग के बारे में, इसके अंदर पूछा गया है तीसरे नंबर पर नोट्स एंड लेसिंग के बारे में। एनी टू आउट ऑफ ड्रॉ हिच बो लाइन मल्टीपर्पज थम नोट, इसको थम नोट, यहाँ पर थम नोट के मल्टीपर्पज थम नोट के बारे में पूछा गया है, या नोट का मतलब होता है गांठ, गांठ गांठे के बारे में पूछा गया है। तो इसके टाइमिंग लिमिट हो जाएगी 60 सेकंड, और 60 सेकंड टाइम लिमिट हो जाएगी, और 3 नंबर यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। आगे लास्ट में जो 4 नंबर पे है रेस्क्यू कार्य के अंदर इमरजेंसी मेथड के बारे में पूछा गया है, इमरजेंसी मेथड के कार्य में रेस्क्यू कार्य किस प्रकार करना, किस प्रकार किया जाता है, जो होगा 30 सेकंड का होगा, और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको। 5 नंबर फर्स्ट एड, इस नोटिफिकेशन का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है 5 नंबर फर्स्ट एड, यूज ऑफ ट्राइंगल बैंडेज हेड जावा और बैंडेज ये किस प्रकार यूज लिया जाता है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और फिर सेकंड में पूछा गया है आर्टिफिशियल रेफरेशन CPR CPR ऑन मनीकनी लाइव कैजुअलिटी, इसके बारे में पूछा गया, जो आर्टिफिशियल के बारे में पूछा गया है इसके अंदर भी फर्स्ट एड के बारे में कुछ कार्य है, उसको 60 सेकंड टाइम लिमिट दी गई और 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे जो है स्ट्रेचर लेसिंग टाइमिंग लिमिट 60 सेकंड, स्ट्रेचर के बारे में फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसका टाइमिंग लिमिट 60 सेकंड होगा और आपको नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे लास्ट में है एल असाइनमेंट मेथड ड्यूरिंग हैंडलिंग, 30 सेकंड के अंदर करना होगा और इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यह नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार लगा, और अगर आप इस नोटिफिकेशन को चाहते हो अगर आपके पास, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होइए, वहाँ पर जय हिंद लिखकर नोटिफिकेशन के बारे में बोलिए, आपको वहाँ पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास पहुँच सके कि क्या क्या बदलाव किया गया है इस नोटिफिकेशन में, इस फायरमैन भर्ती के बारे में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर।